बेचने के मुख्य परिणाम क्षेत्र, क्योंकि अब आप बेचने की नई स्किल सीख रहे हो और स्किल्स हमेशा काम में आती है। अब आप बेचने के सीधे क्षेत्र में एंटर कर रहे हो और ये जबरदस्त काम में आती है टेक्निक। जब जब नया सीखोगे रिजल्ट आएगा। एक परीक्षा हॉल में एग्जाम चल रहा था तो सब बच्चे परीक्षा देने के लिए तैयार थे। पप्पू बेचारा तैयार नहीं था क्योंकि पप्पू टीपने के लिए सामान लाया था और टीपने की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि मैडम बिल्कुल चारों तरफ घूम घूम के पूरा चेक कर करके बता रही थी। पप्पू को टेंशन हो गई क्योंकि वो फरियाँ लेके आया था, अब फरियाँ काम नहीं आ रही थी। तो एक 10 मिनट देखा, 20 मिनट देखा, आधा घंटे बाद पप्पू का दिमाग खराब हो गया। पप्पू ने एक पर्ची ली, पर्ची पर लिखा और मैडम को दे के आ गया। उसके बाद मैडम जाके कुर्सी पर बैठ गई, पूरी क्लास ने अच्छी तरह जम के टीपा, खूब जम के लिखा, सारी फर्रियाँ काम में आई, सारा काम हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सारे बच्चे पप्पू से क्या प्रश्न पूछेंगे? अरे तूने लिखा क्या था रे, जो चुपचाप बैठ गई, शांत बैठ गई। नहीं मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने तो सिर्फ इतना सा लिखा, मैडम आपके पीछे से सलवार फट गई, आप शांति से बैठ जाओ, देख लो। अब टेक्निक काम करती है। 3 घंटे मैडम शांति से बैठ गई, बच्चों ने अपना काम किया, पप्पू राजा घोषित हो गया। आपको मैं ये कहने जा रहा हूँ, नई स्किल्स और नए डायमेंशन जब जब सीखने का मौका मिले, जिंदगी आपको आगे लेके जाएगी। बेचने के मुख्य परिणाम क्षेत्र, पहले तो इस परिभाषा को समझो। बेचने का जो अंत होता है वो जाके क्लोजिंग पे होता है। बेचने की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब आपने पैसा ले लिया हो, बुकिंग ले ली हो, तभी होता है। लेकिन आज तक क्लोजिंग की परिभाषा नहीं पता। बेचने की चर्चा के सामान्य और स्वाभाविक अंत को क्लोजिंग कहते हैं। बेचने के बिल्कुल नॉर्मल स्वाभाविक साधारण स्वाभाविक अंत को क्लोजिंग कहते हैं। इसलिए कभी घबराना नहीं, कभी ऊपर नीचे मत करना भाव। इमोशंस के बहुत बहुत ज़बरदस्त हड़कंप झड़कंप होगा, लेकिन जब आप एक व्यक्ति से बात शुरू करने से पैसे लेने तक जब पहुंचते हैं ना, तो इस बीच की साधारण प्रक्रिया ही चलती है। किसी पे चौंकना मत, किसी पे चौंकने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझना, ये पिक्चर चल रही है पर्दे पर, उससे चिपकना मत। जब पर्दे पर पिक्चर चलती है और आग का सीन आता है तो पर्दा जलता है ना, पर्दा थोड़ी जलता है, पिक्चर में ही जलती है आग। अच्छा जब बाढ़ आती है पिक्चर में तो पर्दा गीला हो जाता होगा। जैसे जिंदगी की पिक्चर चलते टाइम पर्दे पे आग नहीं लगती, भीगता नहीं है, लेकिन पानी का सीन भी आ जाता है, आग भी आ जाती है। ऐसे बेचने की प्रक्रिया शुरू से लेके अंत तक करने में ध्यान रखना, घबराना नहीं। वो रील ही चल रही है पिक्चर की, कभी भीगना मत, कभी आग से जलना मत, चौंकना मत, चिपकना मत, क्योंकि ये सिर्फ साधारण पिक्चर है। उसको चलने दो और आप दर्शक बनके लगातार इस मैच को देखे जाओ। जितना देखते जाओगे उतना सफलतापूर्वक खेलते जाओगे, जितना खेलते जाओगे उतना और सफल होते जाओगे। बस लगातार खेलते जाना, छोड़ना मत खेल को। इस खेल को जो लगातार खेलेगा वो सेल्स की दुनिया में एक दिन बापू बनेगा। आपको खेलना होगा, जीतना होगा, आप कामयाब जरूर होंगे। बेचने का सबसे अच्छा समय कब शुरू होता है? बिक्री के जस्ट बाद। 1 सेंचुरी जब लगा देता है तो सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने की संभावना हो जाती है। लगाते ही दोबारा चालू कर दे तब, क्योंकि तब फॉर्म जागती है, कॉन्फिडेंस जागता है। तो जब आप एक सेल, एक बुकिंग करके आते हो ना, उसके बाद अंदरूनी अंदर का चमत्कार जागता है, फिर मिरेकल ऑफ सेलिंग जन्म लेता है, फिर अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, सारी दुनिया को बेच दूंगा। आपने देखा होगा ना, जब जिंदगी में आप एक बुकिंग करके बाहर निकलते हैं तो जैसे हम चौड़े बाजार चला, सारी दुनिया को बेच दूंगा, ताजमहल की रजिस्ट्री करा के आऊंगा शाम तक तो मैं। ऐसा कॉन्फिडेंस जो आप में आता है वो कब आता है? जब आप एक सेल कर चुके होते हैं। तो ये जस्ट मैटर ऑफ 1 सेल, केवल 1 सेल का मैटर है। एक के बाद आप अनेक कर दोगे।